गाइस, यहाँ पर आज हो रही है झमाझम बारिश। 44 डिग्री टेम्परेचर से हमें मिल गई है मुक्ति। और ये देखिए, बारिश का मौसम हो गया है और मैं छत पे आके आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी और अब मौसम ठीक हुआ है। अच्छा, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आज हम माँ बेटी चल रहे हैं पार्क में, बहुत दिन बाद। तो चलिए चलते हैं। अब हम माँ बेटी चल रहे हैं पार्क में और मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ है और बारिश हुई है तो सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रहा है। आज सुबह बारिश थी, हुई थी क्या? क्यों, तुम कहाँ थी? बारिश हुई थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे तभी सुबह। ये देखो आजकल की जनरेशन। भाई मैं सुबह ना 5 बजे उठने वाला मैं हूँ। आज तो मैं आने ना पेपर था इसलिए पढ़ रही थी, तो ध्यान नहीं था बाहर का। भाई तुम ऐसी डॉक्टर बनोगी, एक किसी का ऑपरेशन करके फिर बोलोगे ऑपरेशन हुआ क्या? हमारी श्रेया मैडम प्रवेश कर चुकी हैं। चलो 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 चलो, मैं भी आ गई। पर श्रेया कह रही है कीड़े बहुत है यहाँ पर, देखिए बच्चे भी झूला झूल रहे हैं। और जब भी बारिश होती है तो शाम को ना कीड़े उड़ने लगते हैं। देखिए आप लोग, यहाँ पर कितने सारे कीड़े उड़ रहे हैं। आज गर्मी भी नहीं है तो देखिए बच्चे भी कैसे घर से बाहर निकल के इंजॉय कर रहे हैं। लटक जाओगे तो अभी मेरी हाइट बढ़ जाएगी क्या? हाँ हाँ, लटक अभी तो बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल बढ़ेगी। चल तसल्ली दिलाना कोई आते सीखे। यहाँ पर देखिए बच्चे झूल रहे हैं, उनके दादाजी साथ में हैं, झूला रहे हैं। वाह भाई, बहुत दिन बाद पार्क में रौनक लगी है आज, वरना तो यहाँ कोई भी नहीं रहता था। पार्क भी सूना था लेकिन आज खूब अच्छी रौनक लगी हुई है। अरे हाँ, चल 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 करके दिखा। ये भगवान, ये लड़की तो पागल है गया। बस बस बस, पता चल गया वो तो मेरी माँ। हाँ नहीं तो अपना वेट इतना ज्यादा ऊपर उठाया जा रहा है, इतना फंस गई है उसमें जाके। निकल जाऊंगी जिंदगी की भूल भी ऐसे निकल सकती है तो फिर भी छोटा सा एग्जाम है। कैसे निकलेगी, निकाल। ओहो, हाँ निकल गई निकल गई निकल गई भाई छोरी हरियाणा की। इतना साफ सब कुछ लग रहा है ना, पत्ते वगैरह देखिए आप लोग कितने साफ साफ हो गए। क्या कर रहे हो बेटा, पौधों को पानी दे रहे हो हैं? अरे वाह, ये छोटे छोटे बच्चे अच्छे नागरिक बन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हैं पौधों को पानी दे रहे हैं। ये देखिए, ओहो इतनी मेहनत कर रहे हो हैं, इतनी मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पर अब हमारे हो गए हैं घुमा घुमाई और अब चलेंगे घर पे, क्योंकि शाम हो गई है और अब करनी हमें डिनर की तैयारी है ना भाई। तो अब हम लोग घर आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मौसम हो गया है खराब और आज खूब हुई है जम के बारिश। और सच में बताऊँ तो एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया, मजा आ गया बिल्कुल ही मौसम को देख के। तो बस अब नहा धो के देख सकते हैं आप लोग, बस आप लोगों के सामने आई और अब करूंगी पूजा पाठ। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है खत्म और देखिए मंदिर में जोत जल रही है और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट नाश्ता। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, क्योंकि हमारे घर में शिमला मिर्च ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मुझे रोज़ कुछ न कुछ बनाना ही पड़ जा रहा है। आज मैं कढ़ाई पनीर नाश्ते में बना देती हूँ तो आज ही ख़त्म हो गई है और साथ में बना रही हूँ रोटी। तो बस आज का खाना हमारा रेडी हो चुका है, कढ़ाई पनीर और ये रोटी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के बाद अब हम चलते हैं किचन में। आज मैं ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो बच्चे और बड़े सबको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है, पीने में टेस्ट बिल्कुल ही फ्रूटी और स्लाइस के जैसा ही होता है। तो चलिए इसके लिए किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम आम निकाल लेते हैं। ये देखिए टोकरी में हमारे आम। और अब हम बनाएंगे आम की फ्रूटी। तो यहाँ पर देखिए फ्रूटी बनाने के लिए मैंने 2 ले लिए पके आम और 2 ले लिए कच्चे आम। तो बस इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले मैं छिलके को उतार लेती हूँ।
और अब मैं देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी पके आम और कच्चे आम दोनों को इकट्ठे ही। अब इन सबको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी 1 कप पानी, देख सकते हैं आप लोग, या 1 गिलास डाल सकते हैं। उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको ढक के रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं और हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए पके हुए जो आम है वो तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये वाले भी हो गए हैं। देखो ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अब बहुत लेट हो चुका है तो हमारी फ्रूटी हो गई होगी ठंडी, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कटोरी, देख सकते हैं बड़ी कटोरी है ये चीनी, क्योंकि इसमें चीनी थोड़ी अच्छी ही डलेगी वरना खट्टा खट्टा हो जाता है ज़्यादा। और अब हम इसको डाल लेंगे जार में इस तरीके से। और अब हम साथ में ही चीनी भी डाल देंगे बीच में इसी में। बंद करके मैं चला दूंगी। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ही पतला, बिल्कुल ही स्मूथ पीस लिया है इसको। इसमें पानी डाल रही हूँ ये देखिए, और बस अब इसको अच्छी तरह से मिला के मैं एक बार चला के घुमा के फिर मैं इसको छान लूँगी। अब मैं इसको छान लूँगी स्पून की हेल्प से, अच्छे से ये छन जाता है और लास्ट में ये बस आम के रेशे वगैरह रह जाते हैं। तो अब ये हमारी फ्रूटी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है और इसको हम 1 हफ्ते तक पी सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है इसका। इसको हम रखेंगे फ्रिज में, जब एकदम चिल्ड हो जाएगी तब हम पियेंगे, मज़ा आ जाएगा सच में। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे इतने खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रिज खोल के, तो ये देखिए अब हमारी फ्रूटी ठंडी ठंडी हो चुकी है। तो फाइनली अब हम इसको ग्लास में डालेंगे, ये देखिए डाल रही हूँ मैं। श्रेया आजा पीना है तो, नहीं तो मैं पी रही हूँ आज, मैं ही टेस्ट करने जा रही हूँ। मैं श्रेया को नहीं दे रही हूँ आज, मैं खुद ही टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि श्रेया ना पहले ही बर्फ डाल के मैं सोई थी तो पी चुकी है मैडम जी। आज मैं खुद ही टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है, और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, सब मिल के फ्रूटी पीते हैं ठंडी ठंडी। मैं करती हूँ टेस्ट। बाहर वाली से भी अच्छी लग रही है। एक बार फिर से आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू दिल से। और हाँ, मुझे किसी ने पूछा कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, तो मेरे खुशी का राज यही है, छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ होती हैं, और वो खुशियाँ अपने घर में ही छुपी होती है, बस हमें अपने दिल से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मेरी खुशी 1 पत्ते बिंदी में भी है, अगर मैं 1 पत्ता बिंदी भी खरीद लेती हूँ ना, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि घर चलना हो जल्दी से उसको लगा लूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और खुश रहिए, क्योंकि घर की जो भी होती नींव ना वो औरत होती है। अगर औरत खुश है ना, यकीन मानिए पूरी फैमिली अपने आप खुश रहेगी। जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही है, खुश रहने की कोशिश कीजिए, कभी भी अपने से ऊपर को देख के डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ है, और जैसी भी है बहुत बेस्ट लाइफ है, और भगवान को इसके लिए हमें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जो भी दिया है ना बहुत अच्छा दिया है। इन मानिए मेरी खुशी का राज है छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी मेरे घर की जो खुशियाँ होती हैं मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। हम बड़ी खुशियों का क्यों वेट करें, जो हमारे पास छोटी छोटी खुशियाँ हैं हमें उसको इंजॉय करने चाहिए। जिस घर में औरत चहकती हो ना, उस घर में तो हमेशा ही लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप लोग भी मेरी इस राय से सहमत हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय।